फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक धमाकेदार पेनी स्टॉक लेकर आया हूं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार निवेशकों को पैसा कमा के दे रहा है। इसका नाम है BITS लिमिटेड, शॉर्टकट में इसको बिट्स के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म पे नहीं जाएंगे, कंपनी के काम धाम समझेंगे और इस समझेंगे कि आखिर इस कंपनी में इतना मैसिव ग्रोथ क्यों देखने को मिला है। शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, किसी ने किसी भी लेवल पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को बाई किया हो या बाई कर रहे हो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। आखिर ऐसा इस स्टॉक में क्यों हो रहा है और ये तेजी कब तक चलेगी? क्योंकि अगर ये तेजी लंबी चलने वाली है तो जाहिर सी बात है कि अभी भी कुछ लोग इसमें पैसा बना सकते हैं। चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो बिट्स लिमिटेड ये कंपनी है, ये काम धाम क्या करती है। तो इस कंपनी का काम बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपनी एजुकेशन के फील्ड में है, आर्ट के फील्ड में है, कमर्स, साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये लगभग कर सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में जितने भी पढ़ाई लिखाई आ जाते हैं सबका ये जो कंपनी है तैयारी कराते हुए नजर आता है और बड़े पैमाने पे इसका मैनेजमेंट चलता है। काम धाम देखिए काफी बढ़िया है। हमारे देश में जो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें होती है ना, इमोशनली भी अटैच होती है और जो एजुकेशन का फील्ड है आप देखेंगे तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कमाई बम्पर होता है। आपको भी पता है कि एजुकेशन के सेक्टर में आज मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग डुप्लीकेट फर्जी यूनिवर्सिटी बना के भी लोग पैसा कमा रहे हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फर्जी भी चल रहे हैं। हालांकि BITS लिमिटेड जो कंपनी है यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर जितने भी मैनेजमेंट प्रोग्राम चलते हैं, जितने भी इसके स्कूल कॉलेज चलते हैं वो सभी जेन्यून है। यहाँ पे ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब समझिए काम तो समझ के काम के बेसिस पर लॉन्ग टर्म इसमें तेजी रहेगी ही रहेगी। इसका जो मार्केट कैप है 83 करोड़ के आसपास, यानी कि तकरीबन 100 करोड़ के वैल्यूएशन को टच करने वाला है। जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा और मार्केट कैप जल्दी 100 करोड़ के लगभग के करीब आ जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी कोई इसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 करोड़ के आसपास आ जाता है तो सेफ जोन में कंपनी आ जाती है। तो इस लिहाज से भी कंपनी ठीक है क्योंकि इजिली इसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 12% तकरीबन 30% के आसपास इसको मान के चलिए। इतना शानदार आरओई है एक छोटे से स्टॉक का, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा लगाना चाहेगा। और जहां पे आप इसका पी देखेंगे तो सिर्फ 35 के आसपास है, यानी कि आपको ये समझिए कि इतना मैसिव ग्रोथ होने के बाद भी स्टॉक का पी अभी महंगा नहीं हुआ, यानी कि वैल्यूएशन वाइज कहीं ना कहीं शेयर प्राइस आपको ठीक ठाक लेवल पर मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन सिर्फ हम ये देख के इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें ये भी समझना होगा कि चार्ट पे लेवल क्या है और लेवल अगर सही निकल कर आता है तब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। यदि कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो देखिए एक साल का चार्ट ये है। आप यहाँ पे देखिए कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी यहाँ पे पैसा लगाने का। बेस्ट अपॉर्चुनिटी था ये रेंज बाउंड 4 रुपए से लेकर 3 रुपए के लेवल में जब स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था तकरीबन यहाँ पे देखेंगे जुलाई के मंथ तक, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे पैसा लगाने के लिए। जिन लोगों ने इस रेंज बाउंड में पैसा मतलब रेंज बाउंड में तो नहीं लगाना चाहिए, जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पैसा लगाया होगा उन्होंने जबरदस्त पैसा अभी कमाया होगा और आगे भी कमा सकते हैं। ये इजिली कम से कम मुझे उम्मीद है कि 10 रुपए तक जाएगा ही जाएगा क्योंकि 10 रुपए का एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। और यहाँ पे यदि इसका ओवरऑल ग्रोथ देखें तो अब जाके कंपनी ने चलना शुरू हुआ है। पहले क्या था कि स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं था, लेकिन जब स्टॉक को ऑर्डर मिलना शुरू हुआ इसका व्यापक खासकर देखेंगे तो 2020 के बाद से तेजी आनी शुरू हुई है क्योंकि एजुकेशन कोरोना के बाद से ऑनलाइन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजुकेशन का काफी प्रचार प्रसार हुआ, लोग जुड़े, तो अब जाके इसमें और भी तेजी देखने को मिल रही है। अब समझने वाली बात है कि अभी करना क्या है इसमें, यदि कोई अब जाके इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको वेट करना है। वेट इसलिए करना है कि प्राइस एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई पे तो बाई नहीं करेंगे चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए। जहां से प्राइस डाउन आ जाए रिट्रेसमेंट करने के लिए और फिर उठने लगे वहां पे हम लोग इसमें बाई करेंगे। यानी कि आपको करना क्या है कि अभी वेट करना है इसके प्राइस के नीचे आने का। जैसे नीचे आके थोड़ा सा घूमेगा वहां पे नया व्यक्ति एंट्री ले लीजिएगा, या कोई एवरेजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि एवरेजिंग डाउन पर करना चाहिए और डाउन आए तो करना चाहिए, आपको थोड़े बहुत डाउन पे नहीं करना चाहिए। जिसके पास सभी इस कंपनी के शेयर्स हैं वो बस मजे से मजे लीजिए और नया व्यक्ति को कहाँ पे बाई करना हो मैंने बता दिया, अभी चढ़ती गाड़ी में कूदने वाले काम मत कीजिएगा। कंपनी के जब आप क्वार्टर्स नंबर देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो मेजर अभी तक जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा सेल्स होते हुए दिखा है। यानी कि ओवरऑल भी देखेंगे तो आप कंपनी का जो सेल्स हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, ना कि डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है एक आध क्वार्टर को छोड़ देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो काम धाम है उसमें तेजी आ रही है, कंपनी को नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कंपनी उस पैसे का सही जगह पे यूज कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको ओवरऑल बढ़ते हुए ही दिखा है। ये नेट प्रॉफिट है और आप ओवरऑल क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कंपनी का जो सेल्स हो रहा है उसका बदौलत कंपनी का प्रॉफिट भी उस हिसाब से ठीक ठाक बढ़ रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में 1 लाख के आसपास कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल के मुकाबले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अभी भी बढ़िया है, शानदार है। तो
कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी के पास कमाई हो रहा है तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उस प्रॉफिट का पैसा उस कंपनी सही जगह पे करेगी, क्योंकि कंपनी के पास यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल कोई डेब्ट नहीं है। हालांकि जो कैश पैसा होता है, कैश पैसा कंपनी के पास अब जाके आने लगा है, क्योंकि पहले क्या था कि 4 करोड़ के तकरीबन 5 करोड़ के आसपास कंपनी पास लॉस था, लेकिन वो लॉस कम होकर अब सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास रह गया। जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट आएगा, कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो रिजर्व ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आएगा। तो ओवरऑल आपको मैं बताऊं तो सबसे अच्छी चीज जो है इस कंपनी में, कंपनी का काम, कंपनी जिस फील्ड में है इस फील्ड में शायद ही ऐसा कोई स्टॉक से जो इतने शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर आप छोटे स्टॉक्स में पैसा लगा के कम समय में एक बेहतर रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये BITS लिमिटेड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस स्टॉक में पैसा लगाना। अगर मन में कोई सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट में या व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं सबको तसल्ली से जवाब देता हूँ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।